फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू का लॉन्ग क्वेश्चन रीड करेंगे। लेट्स रीस्टार्ट। दिस चैप्टर हैज़ बीन पुट इन टू पार्ट्स। जैसा कि आपको पता है कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ये लेसन। In the first part, various views have been expressed about the use of interview. पहली पार्ट में जो है इंटरव्यू के अलग अलग व्यूज़ बताए गए हैं इंटरव्यू के बारे में, उनको एक्सप्रेस किया गया है। एंड द सेकेंड पार्ट गिव्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंटरव्यू विच मुकुंद हैड विद अम्बर्तो इको। अम्बर्तो इको और मुकुंद यहाँ दो नेम हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इस लेसन के। सेकेंड पार्ट में एक इंटरव्यू का लेख बताया गया है, एक पार्ट बताया है इंटरव्यू का पार्ट, विच मुकुंद हैड विद अम्बर्तो इको, जो मुकुंद ने अम्बर्तो इको का लिया था। अम्बर्तो इको जो कि लेसन आपने रीड किया है, पता ही है आपको कि फेमस एसेइस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, जिनकी बुक द नेम ऑफ द रोज़ काफ़ी फेमस हुई थी। इन द फर्स्ट पार्ट डिफरेंट व्यूज़ ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैव बीन एक्सप्रेस्ड। अलग अलग व्यूज़ एक्सप्रेस किए गए हैं फर्स्ट पार्ट में। सम कॉल इट द हाइएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ, कुछ ने इसे सच्चाई का हाइएस्ट सोर्स माना है, सबसे बढ़िया अच्छा साधन माना है। एंड अदर्स कॉल इट एन अटैक दैट डिजर्व पनिशमेंट, और कुछ ने इसे एक अटैक भी माना है, एक आक्रमण भी माना है, इसे पनिशमेंट दी जानी चाहिए। जैसा लेसन में आपने रीड किया था कि कुछ के व्यूज़ इसके लिए नेगेटिव थे, नहीं चाहते थे इंटरव्यू देना, डिस्पाइट ऑफ इट्स ड्रॉबैक्स, कि इसकी कमियों के बावजूद, ड्रॉबैक्स मतलब कमियों के बावजूद, इट इज़ अ बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का, कम्युनिकेशन का ये सबसे बेस्ट मीडियम माना जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस, पर हर चीज़, हर पल की हर चीज़, हर खबर हम तक पहुंचती है। एंड लीव्स डिफरेंट इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज ऑन आवर माइंड, और हमारे दिमाग पर जो हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, हमारे समकालीन हैं, जो हमारे समकालीन क्या होता है कि जिस टाइम पर हम जी रहे हैं, और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, और वो भी अगर हमारे टाइम में जी रही है, तो वो हमारे कंटेम्प्रेरीज हुए, हमारे समकालीन हुए, तो कहते हैं उनके भी डिफरेंट इम्प्रेशंस, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट पोजीशन उनकी, वो हमारे माइंड पर छोड़ जाते हैं जो उनके इम्प्रेशंस होते हैं। इन द सेकेंड पार्ट अम्बर्तो इको टॉक्स टू मुकुंद अबाउट हिज एक्सपीरियंसिस एज अकेडमिक एंड एज ए नॉवलिस्ट। जैसा कि हमने लेसन रीड किया था कि अम्बर्तो इको जो रियल में हैं, वो एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, तो एक अकेडमिक शिक्षाविद और एक नॉवलिस्ट के रूप में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं अम्बर्तो इको मुकुंद से सेकंड पार्ट में। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही हैज़ सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। फिलोसॉफिकल होता है दार्शनिक रुचियाँ, दार्शनिक मतलब तत्व संबंधी चीज़ों से संबंधित जो उनका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उनके अंदर है कुछ। एंड हिज बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर पार्ट ऑफ हिज फिलोसफी, और उनकी इसी फिलोसफी का ही एक भाग है जो बुक्स उन्होंने बच्चों के ऊपर लिखी हैं। व्हेन मुकुंद आस्क्स हिम हाउ ही गेट्स टाइम फॉर हिज वर्क, ही सेड दैट, जब मुकुंद ने उनसे पूछा कि उन्हें अपने काम के लिए समय कैसे मिलता है, कैसे वो प्राप्त करते हैं समय, तो ही सेड दैट, उन्होंने क्या कहा कि देर आर लोड्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में बहुत सारा खाली स्थान होता है, यानी कि खाली समय होता है। एंड ही मेक्स यूज ऑफ देयर फॉर हिज राइटिंग वर्क, और उसी का ही यूज़ वो अपने राइटिंग के लिए, राइटिंग वर्क के लिए यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि आप एलिवेटर में ऊपर आ रहे थे, तब तक उन्होंने एक लेख लिख लिया था। जब मुकुंद अम्बर्तो इको के घर आए और लिफ्ट में थे, तभी अम्बर्तो इको ने उसी टाइम के बीच में एक लेख, एक आर्टिकल वो लिख चुके थे। इन हिज एज ऑफ 22 ही फील्स दैट,
अपनी 22 की एज में अम्बर्तो इको ने महसूस किया कि दैट नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ बेस्ट इवन फॉर रिसर्च वर्क, कि एक रिसर्च वर्क से नरेटिव स्टाइल जो है वो बेस्ट है, कि एक चीज़ पर रिसर्च करके कहानी लिखी जाए और एक पूरा उस रिसर्च का वर्णन करते हुए एक कहानी लिखी जाए। तो कहते हैं जो वर्णन करते हुए पूरी कहानी लिखी जाए वो राइटिंग स्टाइल बेस्ट होता है, ये इको का मानना था। इकोज नॉवल द नेम ऑफ द रोज़, ये उनका नॉवल है द नेम ऑफ द रोज़, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था, 10 to 15 million कॉपीज़ इसकी सेल हुई थी। प्रूव्ड अ ग्रेट सक्सेस, येट ही वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज एन अकेडमिक स्कॉलर। कहता है हालांकि उनके इस नॉवल को बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस मिली थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जो पहचान है, अपनी जो आइडेंटिटी है, वो अपने आप एक शिक्षाविद के रूप में ही रखना चाहते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक नॉवलिस्ट या एसिस्ट के रूप में जाने। हिज नॉवल वॉज अ डिटेक्टिव स्टोरी, उनका जो नॉवल था वो एक जासूसी कहानी था। दैट डील्ड विद मेटाफिजिक्स, यानी कि रहस्यवाद, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑल्सो, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें लिखी गई थी, धर्मशास्त्र, रहस्यवाद और मध्यकालीन इतिहास। मेटाफिजिक्स होता है हमारा रहस्यवाद, रहस्यमय चीज़ें, क्योंकि जासूसी कहानी थी, डिटेक्टिव स्टोरी थी। थियोलॉजी, धर्मशास्त्र का भी यूज़ किया गया था इसके अंदर, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी इसके अंदर लिखा गया था। व्हेन मुकुंद आस्क्ड हिम अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल, जब मुकुंद पूछते हैं कि आपके नॉवल को इतनी सक्सेस क्यों मिली, ही सेड दैट द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल सीम्ड टू बी अ मिस्ट्री, कि उनकी नॉवल की जो सक्सेस है वो एक रहस्य दिखाई देती है। ही डिडंट नो हाउ इट अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस, उन्हें नहीं पता था कि उसे इतनी महान सफलता कैसे प्राप्त हुई, कैसे उसने इस उपलब्धि को प्राप्त किया। तो ये जो लेसन था पूरा इंटरव्यू के बारे में था, इंटरव्यू के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, पॉजिटिव व्यूज़ के बारे में और नेगेटिव व्यूज़ के बारे में। फिर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया था इंटरव्यू का अम्बर्तो इको और मुकुंद के थ्रू। तो आई होप कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।